नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में घर आते जल संकट को लेकर डिप्टी मेयर ने खोला मोर्चा। रविवार को आम जनता के साथ निगम पार्षद देंगे धरना। विकास योजनाओं को गति देने के लिए जीप सभागार में हुई बैठक। सरकार के निर्देश पर प्रवासी मजदूरों को मिलेगा मनरेगा में काम। कोरोना संक्रमण मामले में बिहार का भागलपुर बना नंबर वन। 12 मरीजों के साथ संक्रमितों की संख्या हुई 300 पार। सदर अनुमंडल परिसर में वन स्टॉप सेंटर का हुआ उद्घाटन। घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को मिलेगी राहत। और कटाव निरोधी कार्यों का जायजा लेने रविवार को नवगछिया पहुंचेंगे सूबे के जल संसाधन मंत्री। तैयारी तेज। अब समाचार विस्तार से। भागलपुर नगर निगम क्षेत्र में निर्बाध जलापूर्ति और वैकल्पिक व्यवस्था की मांग को लेकर डिप्टी मेयर राजेश वर्मा और उनकी टीम रविवार को धरने पर बैठेगी। वहीं शनिवार को नगर निगम के उपमहापौर राजेश वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रविवार को होने वाले धरना के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गर्मी का सितम बढ़ता जा रहा है, लेकिन जिले के अधिकारी जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। राजेश वर्मा ने कहा कि 450 करोड़ रुपए की राशि सरकार ने केवल जलापूर्ति व्यवस्था के लिए दिए हैं, लेकिन लाल फीताशाही के कारण शहर की जनता एक एक बूंद पानी के लिए तरस रही है। साथ ही शुद्ध पेयजल को लेकर शहर में हाहाकार मचा हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डिप्टी मेयर ने बताया कि एक दर्जन आवेदन मंत्री से लेकर जिलाधिकारी तक को देने के बावजूद जल संकट का निराकरण नहीं किया गया है। इसलिए रविवार को जेबीजे के 2500 से ज़्यादा युवाओं और 51 वार्डों की जनता अपने अपने क्षेत्र में सुबह 11 बजे से नगर निगम और जिला प्रशासन के विरोध में धरना पर बैठेगी। वहीं राजेश वर्मा ने कहा कि धरना देने के बाद भी अगर समस्या का समाधान नहीं किया गया तो शहर की जनता जिले के अधिकारियों का घेराव करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डिप्टी मेयर ने वुडको के अधिकारी, नगर आयुक्त एवं जिला अधिकारी पर कई सवाल खड़े कर दिए। जल संकट को लेकर किए गए प्रेस वार्ता के दौरान वार्ड नंबर 32 के पार्षद हंसल सिंह, वार्ड 40 के पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद सोनू, समाज सेविका शम्स निजामी, अश्वनी जोशी मोंटी, सम्राट आदर्श समेत कई लोग मौजूद थे। जब सरकार के तरफ से 450 करोड़ रुपया का आपके पास फंड सिर्फ पानी के लिए आया हुआ है, बल्कि उससे ज़्यादा अमाउंट का आया हुआ है, उसके बाद भी किस लिए जिला प्रशासन और प्रशासन के पदाधिकारी इस ओर पहल नहीं कर रहे हैं? मैं सरकार से भी इस बात की गुजारिश करूंगा, उनको फिर से एक बार पत्राचार करूंगा कल एक दिवसीय धरना के बाद, और हम लोग जिला प्रशासन को एक हफ्ता का अल्टीमेटम देने का काम करेंगे। यदि एक हफ्ता के अंदर जिला प्रशासन का इस ओर कोई सकारात्मक पहल नहीं किया गया तो इसके बाद हम लोग जिला पदाधिकारी कार्यालय का घेराव करने का भी काम करेंगे कल के एक दिवसीय धरना के बाद, और उसके बाद भी यदि बात नहीं बनी तो उसके बाद हम लोग को जो आगे की रूपरेखा होगी, जो शहर के तमाम नौजवान साथी और युवा साथी मिलकर तय करेंगे, उसको हम लोग 51 वार्ड पार्षद को साथ लेकर करने का काम करेंगे, क्योंकि जनता के समक्ष जनप्रतिनिधि को जाना पड़ता है, और जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में फंड है उसके बावजूद कार्य नहीं कराना, ये लचर और सुस्त अफसरशाही को साफ साफ दर्शाता है। सरकार की अति महत्वपूर्ण मनरेगा योजना को पूरा कराने को लेकर शनिवार को भागलपुर जिला परिषद सभागार में विशेष बैठक का आयोजन किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर अनुमंडल वार की बैठक में विकास योजनाओं में तेजी लाने को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में डीआरडीए डायरेक्टर प्रमोद कुमार पांडे ने सभी जिला परिषद सदस्यों से मनरेगा के तहत होने वाले कार्यों की जानकारी ली और कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। इस दौरान वृक्षारोपण में तेजी लाने, तालाब खुदाई, पक्की नाली निर्माण, सड़क निर्माण, आंगनवाड़ी केंद्र निर्माण समेत मनरेगा के तहत होने वाले कार्यों से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिसके बाद सर्वसम्मति से सभी प्रस्तावों को पारित कर दिया गया। जिला परिषद अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण विभिन्न राज्यों से आए प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने के लिए मनरेगा के तहत विकास कार्यों में तेजी लाई जाएगी, जिससे मजदूरों को रोजगार दिया जा सके। जिला परिषद उपाध्यक्ष आरती कुमारी ने कहा कि सरकार मनरेगा के माध्यम से मजदूरों को रोजी रोटी का साधन उपलब्ध कराएगी, जिससे भागलपुर समेत बिहार के विकास कार्यों में तेजी आ सके। जबकि नाथनगर के जिला परिषद सदस्य डॉक्टर अशोक कुमार आलोक ने कहा कि लंबे समय बाद जिला परिषद में मनरेगा के तहत विकास कार्य को लेकर चर्चा हुई और आगे सकारात्मक माहौल में विकास कार्य हो, जिससे आम लोगों का भला हो सके। इस मौके पर डीपीओ राजकुमार, सभी प्रखंड के कार्यक्रम पदाधिकारी एवं अरविंद मंडल समेत सभी जिला परिषद सदस्य मौजूद थे। आज जिला परिषद में मनरेगा को लेकर के बैठक हुई थी, उसमें हुआ कि जिला परिषद से कार्य को जो प्रवासी मजदूर आए हैं उसके लिए सरकार का गाइडलाइन है, सबको काम देना है।
उसमें पेन आहार पोखर नहर वृक्षारोपण एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड को जोड़ने वाली मुख्य सड़कें ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके इसी के लिए आज बैठक था और सब लोग अपने कार्ययोजना दी गई सबकी स्वीकृति भी हो गई और सबको उस पर जल्द काम शुरू करवाया जाएगा। आज हम लोग मनरेगा संबंधित जिला परिषद एवं पंचायत संबंधित मनरेगा संबंधित क्रियान्वयन के संबंध में उपस्थित हुए थे। यहाँ पे सभी जिला 31 जिला परिषद हैं सभी उपस्थित हुए और मनरेगा संबंधित योजना में हम लोगों को वृक्षारोपण का स्वीकृति दी गई कि हम लोग वृक्षारोपण सरकारी रोड या फिर पोखर तालाब के किनारे लगा सकते हैं और एग्ली गोदाम और हम लोग फूड प्लाज जैसे कि किचन मेड हुआ हाई स्कूल में इसका स्थापित कर सकते हैं। आज भागलपुर जिला परिषद की विशेष बैठक बुलाई गई थी जो मनरेगा पर जिला पार्षद कैसे काम करें उसके ऊपर विशेष बैठक थी। मनरेगा जो भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और उसमें जिला परिषद सदस्य जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं पंचायती राज में ये सर्वोच्च पद पर आसीन हैं लेकिन इनके द्वारा मनरेगा पर पिछले 9 वर्षों से कोई काम नहीं हो रहा है। 4 वर्ष लगभग बीत चुके हैं लेकिन आज तक मनरेगा पर जिला परिषद कोई काम नहीं हुआ। आज बैठक बुलाई गई है और सभी पार्षदों ने एक साथ जो डायरेक्टर हैं DRDA के और अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया कि हर हाल में ये काम होना चाहिए। आप जान लें कि जिला परिषद ग्रामीण क्षेत्र के लिए होते हैं और हमारा ग्रामीण क्षेत्र बहुत ही नीचे है वह बहुत ही दबा हुआ है उसको उठाने की आवश्यकता है। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य था मनरेगा की बातों पे चर्चा होना। निर्णय लिया गया कि जिला परिषद मनरेगा में भी अपना भागीदारी ले सकते हैं और अपने कामों को कर सकते हैं जिसमें विशेष रूप से वृक्षारोपण पर जोर दिया गया। तालाब की खुदाई पक्की नाला और हर वार्ड में आंगनवाड़ी केंद्र बनाने का योजना पारित हुआ। कोरोना महामारी को लेकर सरकार द्वारा लागू किए गए लॉकडाउन को समाप्त करने के बाद बिहार समेत पूरे भागलपुर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। शुक्रवार को भागलपुर में कोरोना वायरस के संक्रमितों का आंकड़ा 300 को पार कर गया। शनिवार को भागलपुर में कोरोना वायरस के संक्रमितों का आंकड़ा 300 को पार कर गया। साथ ही भागलपुर में 12 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद भागलपुर पहले स्थान पर पहुंच गया जबकि राजधानी पटना में भी कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 300 के आंकड़े को पार कर गई। शनिवार को 12 नए मामले आने के बाद भागलपुर कोरोना संक्रमितों के मामले में नंबर 1 पर बना रहा। शनिवार को आए पहले अपडेट में 87 मरीजों की पुष्टि हुई जिसके बाद राज्य में आंकड़ा 6200 को पार कर गया। भागलपुर में लगातार कोरोना मरीजों में वृद्धि होना शहरवासियों के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। हालांकि 327 मरीज में से करीब 200 मरीज भागलपुर में स्वस्थ हो चुके हैं। समाज कल्याण विभाग अंतर्गत महिला सशक्तिकरण के नए भवन का उद्घाटन सदर अनुमंडल भागलपुर के कैंपस में किया गया। नवनिर्मित भवन का उद्घाटन शनिवार को अपर अनुमंडल दंडाधिकारी अनु कुमारी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी अर्चना कुमारी एवं परियोजना प्रबंधक डॉक्टर श्वेत निशान ने संयुक्त रूप से रिबन काट कर किया। इसके बाद महिला अधिकारियों और सेविका सहायिका ने दीप प्रज्वलित कर सेंटर द्वारा संचालित किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी। ASDM और DPO अर्चना कुमारी ने कहा कि घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए यह सेंटर वरदान साबित होगा। मौके पर मोहम्मद तबरेज खान DC अरविंद पांडे कार्यपालक सहायक रंजन वर्मा समेत कई लोग मौजूद थे जो उन्हें आत्मनिर्भर बना सके अगर वो सिलाई कढ़ाई बुनाई या अन्य कुछ करना चाहती हैं जिनमें उनकी अभिरुचि भी हो और जिसे संस्थागत रूप से प्रदान किया जा सके तो वैसी सुविधाएं दी जाएंगी। साथ ही साथ चूँकि जो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं होती हैं वो मानसिक रूप से ज़्यादा टूटी हुई होती हैं तो उन्हें काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वो यहाँ उन्हें उपलब्ध करवाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो बुनियादी संरचना है उनके रहने के लिए उनके खाने पीने के लिए हर व्यवस्था यहाँ आपको मौजूद मिलेगी। ये हम लोग का नया भवन बना है महिला सशक्तिकरण केंद्र का तो ये महिला विकास निगम की तरफ से समाज कल्याण विभाग के इसमें बना है तो यहाँ पे जो हम लोग का महिला हेल्पलाइन सखी वन स्टॉप सेंटर और महिलाओं से संबंधित जितनी भी इश्यूज़ यहाँ पे हमारे ज़िला में होते हैं उनके निदान के लिए ये मुख्यतः इस भवन का उद्देश्य है और इसी के लिए यह बना है। इस्माइलपुर में 40 करोड़ की लागत से हो रहे कटाव निरोधी कार्य का जायजा लेने रविवार को सूबे के जल संसाधन मंत्री संजय झा नवगछिया पहुंचेंगे जहां से वे नवगछिया इस्माइलपुर से बिंद टोली के बीच कटाव निरोधी कार्यों का निरीक्षण करेंगे। इसको लेकर नवगछिया SDO मुकेश कुमार ने कटाव निरोधी कार्यों का जायजा लिया। SDO ने विभाग द्वारा किए जा रहे कटाव निरोधी कार्यों की गुणवत्ता की जांच की। कार्य की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए 10 दिनों के भीतर तेजी से गुणवत्तापूर्ण से कार्य करने का निर्देश दिया। मंत्री के आगमन को लेकर कैंप कार्यालय का रंग रोगन किया गया।
SDO मुकेश कुमार ने कहा कि कटाव निरोधी कार्य में अनियमितता की बात सामने आ रही थी, इसको लेकर निरीक्षण किया गया और ठीक ढंग से कार्य करने का निर्देश भी दिया गया। इस दौरान SDPO परवेंद्र भारती समेत कई अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में EEG, ECT एवं MBT के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे AC, non-AC, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। डॉक्टर शशिकर MD रेडियो डायग्नोसिस द्वारा संचालित लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे में अत्याधुनिक तकनीक से सभी प्रकार के रेडियो डायग्नोसिस की सुविधा पिछले 8 साल से उपलब्ध है। भागलपुर का पहला डिजिटल 1.5 टेस्ला होल बॉडी MRI स्कैन, मल्टी स्लाइस होल बॉडी सीटी स्कैन, अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन से 2D, 3D, 4D कलर डोपलर, अल्ट्रासाउंड गाइडेड पानी निकालना अथवा प्रेगनेंसी का लेवल 1 या लेवल 2 की जांच की सुविधा। डिजिटल एक्सरे से सामान्य एक्सरे के साथ साथ IVP, RGU, HSG की जांच। डिजिटल डेंटल एक्सरे से पूरे जबड़े का OPG। अत्याधुनिक पैथोलॉजी की व्यवस्था, खून, पेशाब आदि जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। हवादार प्रतीक्षालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत व सुरक्षित व्यवस्था। लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे का रिपोर्ट सभी बड़े अस्पतालों व डॉक्टरों द्वारा मान्य है। लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। क्या आपको कान, नाक या गले में कोई समस्या है, जैसे कान बहना, सुनने में परेशानी, कान में दर्द, गले की खराश, गले में दर्द, थायराइड, नाक का मांस बढ़ना या एलर्जी इत्यादि है, तो समस्या के निदान हेतु आपके शहर में विश्व स्तरीय अस्पताल एडवांस ENT हॉस्पिटल, जिसमें अति आधुनिक उपकरणों द्वारा उपचार डॉक्टर HI फारूक की देखरेख में किया जाता है। डिजिटल एक्सरे एवं कंप्लीट ऑडियोलॉजिकल प्रोफाइल की व्यवस्था, साउंड प्रूफ परिवेश में बेरा, ऑटो एकॉस्टिक इमिशन, टेम्पोनोमेट्री जांच की जाती है, और हाँ, एक दिन के बच्चे की भी सुनाई का आकलन किया जा सकता है। बिना तार वाली कान के अंदर लगने वाली सूक्ष्म देसी विदेशी सुनाई की मशीन भी उपलब्ध है। विदेशी मशीनों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर तथा पेशेंट के रहने के लिए AC, non-AC जनरल वार्ड उपलब्ध है। चंपा नाला पुल के निकट, चंपा नगर, भागलपुर। नमस्ते, केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ आपसे अपील करती है कि कोरोना वायरस से बचें। कोरोना वायरस से बचने के लिए बार बार हाथ धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें। खांसते या छींकते समय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और वो यूज किया हुआ टिश्यू पेपर तुरंत ढक्कन डाल कचरे के डब्बे में फेंक दें। कहीं भी जाएं तो मास्क लगा के जाएं। किसी को खांसी, सर्दी या सांस लेने में प्रॉब्लम हो तो उससे 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। अपने गंदे हाथ आंख, नाक, मुंह में ना सटाएं। आपको ये छोटी छोटी सावधानी आपको बहुत काम आ सकती है। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की संक्रमण से रोकथाम के लिए भागलपुर नगर निगम की ओर से निशुल्क मास्क एवं साबुन का वितरण किया जाएगा, इसको लेकर निगम प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। उपनगर आयुक्त सत्येंद्र प्रसाद वर्मा ने बताया कि सभी दुकानदार और रिक्शा ठेला चालकों के बीच शनिवार से ही मास्क एवं साबुन का वितरण किया जाना था, लेकिन अधिकारियों की व्यस्तता के कारण वितरण नहीं किया जा सका।
वहीं उपनगर आयुक्त ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र के सभी वेंडर और स्लम एरिया में रहने वाले लोगों को सरकारी दिशा निर्देश के तहत मास्क और साबुन दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा पूर्व में ही ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों को साबुन और मास्क वितरण की घोषणा की गई थी और ग्रामीण क्षेत्रों में इसका अनुपालन भी हुआ है। उसी प्रकार से शहरी क्षेत्रों में जो फुटपाथी दुकानदार हैं, वेंडर वाले हैं और रिक्शा ठेला चलाने वाले लोग हैं और स्लम एरिया में जो लोग रह रहे हैं और स्लम एरिया में जो बिल्कुल गरीब हैं, वैसे लोगों का सर्वे करा करके उन लोगों के बीच प्रत्येक ठेला वेंडर, रिक्शा वेंडर, वेजिटेबल बेचने वाले, चाहे कॉबलर हों, बारबर हों, उन लोगों को 4 मास्क और 1 साबुन और अधिकतम उसमें से 100 रुपये लागत होना चाहिए, ये फिक्स सरकार से किया गया है और पंचम वेतन वित्त आयोग मद से देने का आदेश प्राप्त है। अनलॉक 1 में भी वकीलों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। भागलपुर कोर्ट कैंपस में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं के समक्ष कई प्रकार की समस्या उत्पन्न हो गई है। वहीं आर्थिक तंगी से जूझ रहे भागलपुर के अधिवक्ताओं ने पिछले दिनों अपनी मांगों के समर्थन में सांकेतिक धरना दिया था और सरकार से मदद की गुहार लगाई थी। इसके बावजूद वकीलों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इधर DBA की ओर से वकीलों के खाते में 1500 रुपये की राशि भेजी गई थी, लेकिन यह राशि ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो गई। शनिवार को पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता नजमुल होदा, भागलपुर के अधिवक्ता शारिक मंजूर और शाहिद मंजूर ने सरकार एवं बार एसोसिएशन से वकीलों को सहायता राशि देने की मांग की है। वकीलों को वहाँ पर बहुत परेशानी हो रही है और आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है वकीलों की वहाँ पर, और फाइलिंग वगैरह का सिस्टम सब ऑनलाइन कर दिया गया है लेकिन वो सही से प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है फाइलिंग, इसी के लिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी है लोगों को और लोग क्लाइंट भी नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ पर। जो जहाँ तक वकीलों का सवाल है, जो इनकी वकीलों का फाइनेंशियल पोजीशन एकदम क्रिपल्ड हो गया है, एकदम ख़त्म हो गया है, काफ़ी परेशान हैं लोग। जहाँ जिला विधिक संघ जो है हमारा, जो हो सकता था 1500 रुपया सहायता राशि दिया और इसके लिए हम जो है अपने महासचिव और प्रेसिडेंट साहब का, दोनों का शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन ये जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार, हम वकीलों के प्रति एकदम संवेदनहीन है, एक पैसा भी इन्होंने जो है हम लोगों की मदद नहीं की है। देखिए, DBA से जो भी राशि मिली है वो बहुत थोड़ी है, जिसमें गुजारा तो क्या, मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल ऊँट के मुँह में ज़ीरा है। और स्थिति अभी ये जा रही है कि बहुत लोगों को भुखमरी के कगार पर से गुजरना पड़ रहा है, दे आर फेसिंग हार्ड डेज। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकार ने सभी लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। वहीं दूसरी ओर भागलपुर के रानी लक्ष्मीबाई चौक के समीप बिना मास्क लगाए हुए एक व्यक्ति पुलिसकर्मी के सामने सिगरेट का धुआं उड़ा रहा है, जबकि सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीना भी दंडनीय अपराध है। इसके लिए पुलिस सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करने वालों से जुर्माना भी वसूलती है। लेकिन आज हम आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। जिस खाकी के कंधे पर इसे रोकने की जिम्मेदारी है, वह खुद बिना मास्क पहने व्यक्ति के खातिरदारी में जुटी हुई है। वहीं बिना मास्क पहने व्यक्ति पुलिस वालों के सामने सिगरेट का धुआं उड़ा रहा है और पुलिस कोई कार्रवाई करने के बजाय उसकी खातिरदारी में आइसक्रीम का डब्बा पेश कर रही है। भागलपुर तिलकामांझी विश्वविद्यालय के सिंडिकेट हॉल में शनिवार को MBA एडवाइजरी बोर्ड की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता कुलपति डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने की। वहीं कुलपति ने MBA के डायरेक्टर पवन पोद्दार से पिछली बैठकों की जानकारी ली और कई दिशा निर्देश दिए। डायरेक्टर पवन पोद्दार ने कुलपति डॉक्टर अजय कुमार सिंह को MBA की अर्धनिर्मित बिल्डिंग और चारदीवारी के कार्यों को पूरा करवाने की बात कही। इस दौरान कुलपति ने अर्धनिर्मित भवन के बचे हुए कार्यों को पूरा कराने के लिए विस्तृत प्रस्ताव बनाने को कहा, ताकि अनुमति के लिए उसे राजभवन भेजा जा सके। बैठक में कुलपति ने विश्वविद्यालय कैंपस से अतिक्रमण हटाने, MBA के एडमिशन प्रक्रिया शुरू करने और रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया। वहीं MBA डायरेक्टर प्रोफेसर पवन पोद्दार के अनुरोध पर कुलपति डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने संविदा पर कार्यरत शिक्षकों की सेवा 6 माह तक विस्तारित करने की अनुमति दे दी। बैठक में रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह, DSW प्रोफेसर राम प्रवेश सिंह, FA पद्मकांत झा, CCDC डॉक्टर KN सिंह, FO शंभु शंकर अम्बस्ट, परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर समेत अन्य कर्मी मौजूद थे। भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर जगदेशपुर में आए दिन लगने वाले जाम के कारण लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। निरंतर लगने वाले इस जाम से निपटने में जगदीशपुर पुलिस पूरी तरीके से नाकाम दिखाई दे रही है।
शनिवार को जगदीशपुर दुमका मुख्य मार्ग पर ट्रकों की लंबी कतार लगी रही और वाहन रेंगते रहे, जिससे छोटे वाहन के साथ पैदल चल रहे राहगीरों को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। स्थानीय लोगों की माने तो जाम का मुख्य कारण पुलिस द्वारा लापरवाही बरतना एवं पैसे लेकर वाहन को वन वे में पार कराया जाना है। जगदीशपुर सनहोला मोड़ के समीप पुलिस चौकी है, जहां 2400 घंटे पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद जाम पर लगाम नहीं लगाया जा सकता है। घंटों लगने वाले इस महाजाम में आने जाने वाले लोगों का वक्त बेफिजूल ही बर्बाद होता है, साथ ही दुर्घटना भी ज्यादा होती है। बता दें कि बाईपास चालू होने के बाद से लगातार भागलपुर दुमका मार्ग पर भीषण जाम की स्थिति बनी रहती है। जगदीशपुर से भागलपुर महज 15 किलोमीटर दूर है, जिसे तय करने में दोपहिया वाहन से 2 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग सकता है। नवगछिया इस्माइलपुर के जाह्नवी चौक तक रिंग बांध निर्माण की मांग को लेकर शनिवार को तीसरे दिन भी अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा। धरना को संबोधित करते हुए जिला परिषद सदस्य विपिन मंडल समेत कई वक्ताओं ने कहा कि जब तक बांध नहीं बनेगा तब तक धरना जारी रहेगा। साथ ही कहा कि किसानों को अपनी जमीन का मुआवजा और इस्माइलपुर प्रखंड को बाढ़ से सुरक्षित करने की दिशा में अधिकारियों को पहल सुनिश्चित करना होगा। इस मौके पर पूर्व मुखिया बचनेश्वर मंडल, जदयू के सचिदानंद सिंह, पुतुल देवी समेत कई ग्रामीण मौजूद थे। आज हम लोग तीसरे दिन धरना प्रदर्शन पे हैं। अधूरा बांध जो कि इस्माइलपुर से जाह्नवी चौक तक पूरा होना था, उसे करीब 16,000 एकड़ जमीन बाढ़ से पूर्णतः प्रभावित हो रहा है, वो बंद हो जाएगा और करीब लाखों लोग इससे परेशानी हर साल हो रहे हैं। इसके लिए हम धरना पे बैठे हुए हैं, किसानों को मुआवजा मिले और बांध का। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में घर आते जल संकट को लेकर डिप्टी मेयर ने खोला मोर्चा, रविवार को आम जनता के साथ निगम पार्षद देंगे धरना। विकास योजनाओं को गति देने के लिए जीप सभागार में हुई बैठक, सरकार के निर्देश पर प्रवासी मजदूरों को मिलेगा मनरेगा में काम। कोरोना संक्रमण मामले में बिहार का भागलपुर बना नंबर 1, 12 मरीजों के साथ संक्रमितों की संख्या हुई 300 पार। सदर अनुमंडल परिसर में वन स्टॉप सेंटर का हुआ उद्घाटन, घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को मिलेगी राहत। और कटाव निरोधी कार्यों का जायजा लेने रविवार को नवगछिया पहुंचेंगे सूबे के जल संसाधन मंत्री, तैयारी तेज। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।